यार, ये जिंदगी खराब हो गई है मेरी। पूछो क्यों? एक्चुअली मैं ना शादी करवाना चाहता हूँ, बट एक कंफ्यूजन में फंसा हुआ हूँ। जिस दिन शादी करने का मन करता उस दिन डीवर गाना चलता। फिर मैं आइडिया छोड़ देता हूँ। जिस दिन स्कूल से ज्यादा होमवर्क मिलता है तो फिर मन करता है कि शादी कर लूँ। एक जीवन साथी हो जो मैथ्स के होमवर्क में मेरा हाथ बटाए। जैसे मैं स्कूल से मुर्गा बनकर घर वापस आऊं तो वो मेरे लिए तंदूरी मुर्गा रेडी रखे। ओ जी, हम पंजाबी होते हैं जो एक बार ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, जैसे कि मेरे पापा। अब आपको तो पता ही है कि हम पंजाबी को खाने पीने का कितना शौक है, तो इस वजह से मेरे पापा का पेट बॉल की तरह गोल मटोल हो गया है। और मैंने ठान लिया कि वो जिम जाएंगे और पतले होंगे। फिर क्या था, अगले दिन जिम गए और पूरे साल की फीस भर आए। और दूसरे दिन ही कहने लगे, हाय मेरी टांगे हिल नहीं रही, हाय मेरे हाथ जाम हो गए। और अब बैठे हैं तंदूरी चिकन लेके यूट्यूब पर देख रहे हैं कि पतले कैसे होते हैं। पापा ने यूट्यूब पर एक एड देखी स्लिम सोना बेल्ट, आपने भी देखी होगी, जिसको पेट पर बांध कर ऐसे हिलाने से पेट कम हुआ दिखाया जाता है। पापा ने भी ऑर्डर कर ली स्लिम सोना बेल्ट और 3-4 दिनों से गार्डन में लगे हुए हैं। कर 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 कर। चौथे दिन मैंने पूछा, कैसे वेट लूज होता है क्या? पापा कहते, पुत्रा वेट छोड़, मजा बड़ा आता है अगर इसको लगा रहा तो लाए जिंगरा। और ये जिंगरा भी बस थोड़े दिन चला, फिर वो भी पुराना टेन शुरू। अभी सदी की बात है, एक मिठाई का डब्बा आया गोपाल स्वीट का। रात को मैंने खोल कर देखा तो 10 तरह की डिफरेंट मिठाइयाँ। जब मैंने हाथ आगे किया उठाने को, तब पीछे से आवाज आई, कोई नहीं खाएगा एक गन, पता नहीं क्या क्या डाला होता है। और फिर मजाक किसी की कि कोई हाथ अगले दिन संडे को पापा के रूम में गया तो देखा इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और पापा लगे हुए थे वही रात वाला गन। इधर मेरी मम्मी बिल्कुल अपसेट, क्यूट ब्यूटीफुल स्मार्ट सी इधर ही बैठी है सामने, दांत निकल रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलेगा। चिंता मत करो, कुछ नहीं बोलता आपके बारे में, मैंने अपना पंजाबी जगह लगा लिया हुआ है।